विरोधियों पर भारी पड़ सकते हैं राष्ट्रीय जनजन पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र सिंह उर्फ बुआ सिंह। राष्ट्रीय जनजन पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र सिंह उर्फ बुआ सिंह का रोड शो निकला, कई गांवों में जनसंपर्क भी किया। उन्होंने कहा कि 30 दिन से 31 दिन नहीं होगा गांवों को सड़क से जोड़ने में। आरा भिया शाहपुर विधानसभा के राष्ट्रीय जनजन पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र सिंह उर्फ बुआ सिंह युवाओं को साथ लेकर रोड शो किया, जिसमें बुजुर्ग भी शामिल हुए। भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बुआ भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अस्तोस भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई छाप जिंदाबाद। तो आपने सुना, अब हम बताते हैं कि शाहपुर विधानसभा के अनेकों गांवों में आज राष्ट्रीय जनजन पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र सिंह और बुआ सिंह ने रोड शो किया। बरिशवन, चमरपुर, बहुरनपुर, दामोदरपुर, गोविंदपुर, गौरा, करजा, चंदा केवटिया, चौरस्ता, पिहिया सहित शाहपुर विधान सभा के अनेकों गांवों में जनसंपर्क करते हुए गोविंदपुर मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए महावीर स्थान के पास सड़क बनाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि हमारी जीत अगर होती है तो 30 दिन से 31 दिन नहीं होगा और गांव को हम सड़क से जोड़ देंगे। घोषणा किए हैं, यहाँ ठाकुरबाड़ी है, बजरंग बली का मंदिर है, गोविंदपुर में अच्छा खासा सपोर्टर है, एक तरफा मेरे सपोर्टर है। यहाँ मैं मंदिर पे यही घोषणा किया हूँ कि हे ठाकुर जी, हे बजरंग बली, विजय होते ही मैं विजय सुनते ही वापिस आऊँगा और हाथी घोड़ा ढोल नगाड़ा के साथ आपका आरती उतारते हुए स्वागत करते हुए उसी दिन आपके पास 24 घंटे का कीर्तन बैठाऊँगा। इस गांव में अभी तक मुख्य मार्ग से नहीं जोड़ा गया, काफी दिनों से वंचित है इस लोग जो नहीं जुड़ा गया, उस मार्ग को जोड़ने के लिए हम वादा किए हैं कि विजय होते ही 30 दिन के अंदर 31 दिन नहीं होने देंगे, 29वां दिन इस रोड में ढलाई हम लगवा देंगे, करवा देंगे इस करोड़ का काम पूरा, ये हम वादा किए हैं। और ठाकुर जी के बजरंग बली के सामने हम कसम लेते हैं, शपथ लेते हैं, वादा करते हैं कि 31 दिन नहीं होने देंगे, 30 दिन के अंदर में इसे इस पर गाड़ी दौड़ा देंगे हम। शाहपुर के दियरा क्षेत्र से अभी आपने घूम रहे हैं, आर्सेनिक से काफी लोग त्रस्त है, आर्सेनिक के लिए क्या सोच रही है आपकी? हम लोग बहुत कुछ सोच रखे हैं, शाहपुर विधानसभा में बहुत सारी समस्याएं पड़ी हुई हैं, लेकिन आर्सेनिक का भी व्यवस्था किया गया है। वैसे सरकार से नल जल का ये जो व्यवस्था किया गया है नीतीश कुमार द्वारा, ये तो सक्षम और शिक्षित नहीं है, लेकिन हम लोग सरकार आएगी, हम लोग सत्ता में जिस दिन आएंगे अपने विधानसभा को स्वच्छ और सुंदर पानी जरूर पिलाएंगे। राष्ट्रीय जेजेपी पार्टी बिहार में कितनी सीटों से लड़ाई लड़ रही है? पूरे हम 243 सीट पर लड़ रहे हैं और इसमें ईश्वर का देन है, चुनाव बाद ये सब पता चलेगा।